नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। पैरों में दर्द रहना, पैरों में स्टिफनेस हो जाना, पैरों में हड़कल होना, ये बहुत आम समस्या है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी जब हम ओवरवेट होते हैं तो उससे भी हमारे पैरों में दर्द रहने लगता है, बिकॉज़ हमारे पैर इतना वज़न नहीं उठा पाते हैं। अगर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं और हमें प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग करनी पड़े, यानी बहुत देर तक खड़े रहना पड़े, तो भी हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। अगर हम आदत में नहीं हैं और हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़े, कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर वॉक के लिए ही जा रहे हैं, कोई ट्रैकिंग के लिए जा रहा है, तो भी हम अनुभव करते हैं पैरों में दर्द होने लगता है। कभी कभी जस्ट आफ्टर अ स्ट्रेसफुल डे वी रियलाइज़ कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। कारण कुछ भी हो, निवारण भारत योग में छिपा है। मैं बताऊंगी आपको बहुत ही आसान सी क्रियाएं जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं अपने पैरों के दर्द को गुड बाय कहने के लिए। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। ज्ञान तो आज हर जगह बट रहा है, गैजेट्स पर बट रहा है, टेलीविज़न पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, किताबों में, वार्तालाप में, हम बहुत सारा ज्ञान ले तो रहे हैं, लेकिन हम उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर रहे हैं। हम 10 अच्छी बातें दिन में सुनते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक भी अच्छी बात को अपने जीवन में अपना नहीं पाते हैं। उससे बेहतर है कि आप चाहे एक ही अच्छी बात सुने, लेकिन उसे अपने जीवन में अपनाएं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो ज्ञान को आत्मसात करना सीखें। आइए जानते हैं आसान सी योग की क्रियाएँ आपके पैरों के दर्द को गुड बाय कहने के लिए। पैरों की क्रियाओं के लिए हम इस प्रकार से कमर को सीधा करके पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं। आप इसको कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं, पैरों को लटका करके भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि पैरों को सीधा रख के करें, क्योंकि पैर दर्द का एक बहुत बड़ा कारण पैरों को लटका करके बैठना भी होता है। तो इस स्थिति में अपने हाथों का सपोर्ट ले लें और पहले स्टेप में पैरों को ऐसे नीचे खींचना। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप स्ट्रेच को पूरा फील करेंगे, पूरा स्ट्रेच करना, फिर अपनी ओर खींचना, फिर नीचे की ओर खींचना, अपनी ओर खींचना, नीचे की ओर खींचना, एंड यू हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम। फाइनल पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकना, अपनी ओर खींचना, एक्सहेल इनहेल, ऐसा 10 बार करें। दूसरी क्रिया में पैरों को इस प्रकार से चक्राकार मूवमेंट, सर्कुलर 10 बार कर लीजिए और फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज 10 बार किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 बार कर लिया। तीसरे स्टेप में पैरों के बीच में गैप देंगे और पूरा बड़ा चक्र बनाना भीतर की ओर एंड देन बाहर की ओर। और अंतिम स्टेप में 10 बार ही ये किया, अंतिम स्टेप में सिर्फ पैर के पंजों को, जैसे हम हाथों की मुट्ठी बनाते हैं, ऐसे मुट्ठी एंड स्ट्रेच, मुट्ठी एंड स्ट्रेच, मुट्ठी एंड स्ट्रेच, इस तरह से 10 बार करना, फिर मूवमेंट देना। अब जब ये मूवमेंट दे रहे हैं तो थाइस तक आप इसके इफेक्ट को फील कर रहे हैं, और फिर ढीला छोड़ देना, गर्दन को भी ढीला छोड़ देना। अगर आपके पैरों में भी दर्द होता है तो बहुत देर तक प्रोलॉन्ग्ड आप पैरों को लटका करके मत बैठिए, यानी सोफे पर ना बैठें, या जब आप गाड़ी की सीट पर भी बैठते हैं, मतलब बैठें आप सोफे पर, बैठें गाड़ी की सीट पर, बट पैरों को फोल्ड कर लें या पैरों को थोड़ा ऊंचा रख करके बैठें, जिससे आपके पैरों के दर्द की समस्या में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको सडन पैरों में दर्द हुआ है, आप ज़्यादा वॉक करके आ गए हैं, या अचानक से काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आप एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें चुटकी भर नमक मिलाइए और इस गुनगुने पानी में पैरों को डाल करके, जिसमें नमक मिला हुआ है, इसमें पैरों को डाल करके थोड़ी देर बैठिए, आपको आराम मिलेगा। आप अपने पैरों पर नियमित रूप से मसाज भी करा सकते हैं। अगर आप तिल के तेल से मसाज कराएं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने।